Welcome Simran Matia to the Today Forum. Today, specially we are going to discuss your personal views about our organization. You are at Metaphor Consulting since from last 6 months of the period. What is your personal opinion in regards to our culture, training policy and behavior? मैं यहाँ मेटाफर कंसल्टिंग में पिछले 6 महीने से एनरोल्ड हूँ और सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील होती है यहाँ का कल्चर जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होना चाहिए वो है स्ट्रिक्टनेस। आप जब भी आते हो जितने बजे भी आते हो उस प्रॉपर आपकी इन टाइम आउट टाइम रिकॉर्ड की जाती है बाकायदा अटेंडेंस रजिस्टर में कि आप कब इंस्टीट्यूट में आ रहे हो कब बाहर जा रहे हो। काफ़ी सारी जगहों पर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स आते तो हैं लेकिन 3-4 बार बाहर जाते हैं, बातें करते हैं, काफ़ी सारी एथिकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी पकड़ी गई कैमरे में तो उसी वक्त आपको एक इंटीमेशन आ जाता है कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, इसे आप तुरंत रोक दीजिए और ये हमारे फ़ायदे के लिए ही किया जाता है। तो जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस प्रोवाइड की जाए और सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है ऐसा इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए बहुत बेहतर है। दूसरी चीज़ है कि आप ट्रेनिंग की बात करूँ मैं यहाँ पर तो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। नॉट ओनली दैट, कभी कभी जब वो अनअवेलेबल नहीं रहते हैं वो भी रियल टाइम सर्वर पर रियल टाइम मीटिंग में काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके भी। तो जब वो अवेलेबल नहीं रहते तो यहाँ काफ़ी सारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज कैरी करते हैं। बाई चांस अगर आपको किसी भी चीज़ पर डाउट है तो वो आपको आपके डाउट के साथ पूरा क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ क्लियर करते हैं। इसी के साथ टीम मेंबर्स भी हैं, एचआर हैं जो आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। अगर आप कहीं भी आपको डीमोरलाइज नहीं होने देते। कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि जॉब नहीं हो रही है या फिर ट्रेनिंग पीरियड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, टफ लग रहा है, डीमोरलाइज हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोरलाइज भी होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक फैमिली है, फैमिली का काम ही ये होता है कि आप अगर कहीं फॉल डाउन हो जाता है, आप कहीं गिर जाते हो तो आपको पकड़ कर उठाएं, वापस से खड़ा करें। तो यहाँ भी वैसा ही एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। कहीं भी आपको फॉल डाउन नहीं होने देंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सिमरन फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन। Definitely, we'll be going forward with the next discussion in this forum itself. What is the reason you selected Metaphor Consulting as you are belongs to Kharagpur? We do understand Kharagpur is so much far away from Jamshedpur location and our organization Metaphor Consulting is persist in Jamshedpur location only. Can you share your own thoughts why you specially choose Metaphor Consulting and eliminate all the organization from your mind? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेट है झारखंड से, जहाँ पे जमशेदपुर में Metaphor Consulting लोकेटेड है। पिछले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है बीकॉम में, उसके बाद 2020 मार्च से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। ये वही टाइम पीरियड था जहां मैंने कोलकाता में भी SCP की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो कंपनी भी डिसॉल्व हो गई और फिर हम सबको, इवन मेरे जो भी ग्रुप मेंबर्स थे सभी को घर पर बैठना पड़ा। लेकिन इसके बाद जब और हिम्मत नहीं हुई कि हाँ कहीं और इन्वेस्ट कर सके, फिर भी 2 साल बाद 2.5 साल बाद जब लॉकडाउन ठीक हुआ, थोड़ा कोविड ठीक हुआ, तो जमशेदपुर में थ्रू माय रिलेटिव्स मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ पर भी SAP की आप ट्रेनिंग ले सकते हो। इसके बाद मैंने नेट पे सर्च किया, गूगल रिव्यूज़ देखे, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स पे बात की जो कि जमशेदपुर में ही थे, लेकिन फ़ोन कॉल पर बात की, उन्हें विजिट भी किया। लेकिन 3 से 4 बार उनसे बात करने के बाद भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो खुद की बात पे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो जो खुद अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं है वो हमें उतनी गारंटीड ट्रेनिंग से सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। मुझे ये चीज़ फील हुई। तो यहाँ पर फिर व्हेन आई कम अक्रॉस Metaphor Consulting तो यहाँ गूगल रिव्यूज़ उनके देखे, अच्छे खासे रिव्यूज़ थे, 4.7 4.8 कमेंट्स भी अच्छे थे। फिर मैंने इनसे यहाँ बात की, यहाँ पर हम बातचीत करने भी आए। क्लासेस, प्रेमिसेस सब कुछ अच्छा लगा, मॉड्यूल भी। इवन मुझे पता भी नहीं था कि हाँ एसएपी बस था कि ये करना है, कौन सा मॉड्यूल मेरे लिए अच्छा रहेगा वो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स जो भी टीम मेंबर्स थे उन्होंने ही बताया। बाय लुकिंग एट माय बैकग्राउंड उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आपके लिए ये चीज़ परफेक्ट है, तो बस इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। Thank you, Simran, and we are highly obliged that you are the part of our organization, also the part of our family member. Going ahead, हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे बड़ी चीज़ जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए, वो है प्लेसमेंट। ड्यूरिंग योर 6 months of training journey, you closely observed many of the students are placed through Metaphor Consulting campus selection program. What is your experience towards our campus selection drive? कैंपस प्लेसमेंट, हाँ यहाँ पर मैं फिलहाल मेरा कैंपस प्लेसमेंट तो नहीं है, मेरा प्लेसमेंट असिस्टेंस है, मैं कैंपस प्लेसमेंट में नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने सामने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट में आते देखा है और उनकी प्लेसमेंट होते भी देखा है। यहाँ पर आप ट्रेनिंग के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे आपको रिज्यूमे बनाने में हेल्प करना, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कैसे मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, इवन जो सही से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं, जो इंग्लिश में वीक है थोड़े, जिनका प्रोनंसिएशन थोड़ा सा वीक है, उनको भी यहाँ पर इक्वली हेल्प किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ फ्रेशर्स के लिए एसएपी ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है किनके लिए, उनके लिए जो 12th पास है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या बीटेक में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, लेकिन अगर आप 12th पास हैं, हाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट ये कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल नहीं है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एसएपी तो बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ कोई एज लिमिट भी नहीं है, ये नहीं है कि आपकी एज 40 अप है, या मैंने खुद अपनी आंखों से 45 अबव वाले स्टूडेंट्स को भी प्लेस्ड होते देखा है, और जो मेरी एज के हैं 20 प्लस है या 25 प्लस है उनकी भी प्लेसमेंट होते देखी। तो ऐसा कोई ये चीज़ नहीं है कि हाँ अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप फ्रेशर हैं या फिर आपकी एज नहीं है तो आप प्लेस्ड नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली एक मिथ है। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट चाहते हैं या प्लेसमेंट असिस्टेंट चाहते हैं तो मेटाफर कंसल्टिंग हमेशा उनके साथ खड़ा है और यहाँ पर आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। Once again, thank you Simran to be the part of our organization, also available for today forum too. We are highly obliged for your comments. Definitely, we will be supportive as because you are our students and we are supporting to our every student till the period they are looking support from our side. Similarly, we also going to support you at every instance of the period, today, always, forever, whenever you required support from our side. This is our commitment and Metaphor Consulting commitment to the every student. Thank you Simran once again for your valuable feedback. Thank you so much sir. Thanks. Thanks for your precious time. We hope this information will help you to take the right decision. Thanks a lot. Thank you.